हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फूड चैनल ज्योति का जायका। दीपावली के शुभ अवसर पर हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो क्यों ना इस बार हम पान के लड्डू बनाए जाए। ये लड्डू 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनके तैयार भी हो जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 5 से 6 नंग पान के लिए है, जिसको मैंने पहले से ही अच्छे से धो के साफ कर लिया था। यहाँ पे आप अपनी पसंद के कोई भी पान ले सकते हैं, जैसे कि नागरवेल के पान, कलकत्ती पान। पत्ते के पीछे लगी हुई मोटी सी डंडियों को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ते के पीछे लगी हुई सारी डंडियों को हमने हटा दिया है। अब हम इस पत्तों के छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सचर की जार में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत कम मात्रा में लड्डू बना रही हूँ, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। कटे हुए पत्तों के साथ अब हम इसके अंदर आधा कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। जार की लीड को हम अच्छे से बंद करेंगे। हम इन दोनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड करते हुए एक पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी थी, तो इसको पतली बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच दूध के यूज किए थे। पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक तरफ रख देंगे। यहाँ पे एक पैन में मैंने 3 चम्मच घी ले लिया है। घी के मेल्ट होते ही हमें इसके अंदर 1.5 कप कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। कोकोनट पाउडर को घी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक धीमी आंच पे हमें इसे भून लेना है। 1 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोकोनट पाउडर अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसके अंदर पान एंड कंडेंस्ड मिल्क की जो पेस्ट बना के तैयार की है उसे हम ऐड कर देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाते रहना है। अगर आपको लड्डू का कलर ज्यादा हरा चाहिए तो आप यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे मिक्सचर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमें इस मिश्रण को धीमी आंच पे तब तक पकाना है जब तक ये अपना शेप होल्ड करना शुरू ना कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना शेप होल्ड कर रहा है, तो मतलब कि ये बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू के बाहर के लेयर का मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है। तैयार किए हुए मिश्रण को हम पैन में से निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अब हम इस मिश्रण को चारों तरफ अच्छे से फैला के रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब तक कि मिश्रण हमारा ठंडा हो रहा है हम अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप गुलकंद लिया है। 10 से 12 नंग काजू को मैंने रफली चॉप करके ले लिया है, उसे हम ऐड करेंगे गुलकंद के अंदर। 2 बड़े चम्मच मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी ली है, उसे भी हम ऐड करेंगे। अब हम तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस लड्डू को और भी ज्यादा फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सौंफ एंड इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। दोनों हाथों को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ताकि हमारे सारे लड्डू सेम शेप के बन पाए। टेबलस्पून जितने पोर्शन को हम हथेली के बीच में रखेंगे और उंगलियों की मदद से इसको हथेली में चारों तरफ फैला देंगे। इसके ऊपर हम गुलकंद की तैयार की हुई फिलिंग को ऐड करेंगे। फिलिंग को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए बाहर की लेयर को उंगलियों की मदद से चारों तरफ अच्छे से सील करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ अच्छे से सील हो चुकी है। अब हम इसे मुट्ठी में लेते हुए टाइट करेंगे लड्डू को। दोनों हथेली के बीच में गोल घुमाते हुए लड्डू तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्लेट में कोकोनट पाउडर लिया है, इसके अंदर हम तैयार किए हुए लड्डू को डिप करेंगे। चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे कोकोनट पाउडर में। आप यहां पे अपनी पसंदीदा कोई और चीज से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में मजेदार सी गुलकंद की फिलिंग के साथ पान के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप इसे जरूर से बनाइए और अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।